कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे बोल ओम ज्ञानमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनसमर्पितः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सत्यजातं सहगणगुरुनाथान्वितं तं श्रीवं सावितं सावधूतं वरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललितास्ति विशाखानिकांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका पंत राधापंच नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके वञ्चाकृततरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वरुणाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गोलकृशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं वपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो सं सर्वभूतहृदयेषु मणिमानुतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो निरये वेदे रामायणे शैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्दे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तं वन्दे श्रीगुरुदिनतालिने परमानंद माधव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण
श्रीमद्भागवतम से हम सुन रहे हैं कश्यप दिति के संवाद, जो मैत्र मुनि ये चर्चा कर रहे हैं महात्मा विदुर के समक्ष। विदुर की जिज्ञासा को लेकर ये चर्चा हो रहा है। विदुर जी पूछ रहे थे कि भगवान क्यों युद्ध किए, वह हम तो त्रिगुणातीत है, वो क्यों युद्ध किए। इस प्रसंग में हमको ये जानकारी मिल रहा है कि जय विजय कैसे आए हैं और खास करके दिति उनको कैसे पुत्र रूप में प्राप्त किए हैं, तो इस सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे। जो मैत्री मुनि बता रहे हैं कि यज्ञशाला में दिति जाकर अपनी पति कश्यप से निवेदन कर रही थी और उस समय संध्या का समय था, सायंकाल, और यज्ञ करके कश्यप मुनि समाधिस्थ थे। उसी समय जाकर दिति ने बोल रही थी अपने मन की बात, वो बोल रही थी, उससे बोल रही थी कि मुझे बहुत जलन हो रहा है क्योंकि मेरे सभी बहनें संतानवती हो गई थी, लेकिन मैं मुझको छोड़कर के बाकी सभी बहन संतानवती हो गई, इसलिए उनको जलन हो रही थी और ये बात वो बोल रही थी। लेकिन इस समय को क्षेपण करने के लिए, इस समय को दूर करने के लिए, समय को बात देने के लिए कश्यप जी उनको समझा रहे हैं, और समझाने के बाद वो क्या करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या समझा रहे हैं ये बात हम चर्चा कर रहे थे। कश्यप जी जो समझा रहे हैं वो समझाने लगे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। पत्नी की प्रशंसा करते करते हुए ये जो बात बोलेंगे वो सब सही बात है, जैसे पहले हम कुछ श्लोक सुन रहे थे, तो अपनी पत्नी की वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करते हुए ये क्या बोल रहे हैं कि सर्व आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। चार आश्रम है, चार आश्रम से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं वो दूसरे तीन आश्रमों की सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और इस संसार सागर से उनको भी छुटकारा मिल जाएगा, वो संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। अपने असमुचित कर्म करते हुए वो भगवान की प्रसन्नता कर पाएंगे और इस संसार में गृहस्थ आश्रम को ये ऐसा प्रशंसा करते हुए फिर क्या बोलते हैं कि इस संसार सागर को जो भव सागर बोलते हैं, भव सागर को तरने के लिए जो नाव चाहिए वो नाव कौन है? पत्नी है। पत्नी रूपी नाव से भव सागर को तर पाएंगे और पत्नी को आश्रय करते हुए ये तीन वर्ग का फल भी प्राप्त कर सकेंगे। ये पहले श्लोक में ही बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में ये सही है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में अगर ज्यादा भजन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा होना चाहिए, सेवा सही तरीके से होना चाहिए। भजन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन सेवा सही ढंग से होना चाहिए। कम से कम भगवान की सेवा, तीन आश्रमों की सेवा ठीक से होना चाहिए। अगर ठीक से हम सेवा करेंगे तो वो सेवा के बल पर हम इस संसार को तर जाएंगे, और सेवा नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो संसार सागर में तो डूबेंगे, तरने की कोई चांस ही नहीं। ये शास्त्र का सिद्धांत है, इसीलिए साधु की सेवा, दूसरे आश्रम की सेवा, भगवान की सेवा, ये तो सभी के लिए है। साधु का जीवन सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है। गृहस्थ आश्रम में अपने पारिवारिक कर्तव्य भी है, पारिवारिक कर्तव्य को निभाने के बाद भी हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पारिवारिक कर्तव्य तो हर जन्म में होता है ना। भगवान की सेवा हर जन्म में हम करते हैं क्या? सिर्फ मनुष्य जन्म में ही ये चांस मिला है, मनुष्य जन्म में और साधु मनुष्य जन्म और फिर भारत में जन्म और साधु संघ, ये और कहने का क्या मतलब, क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा। और ये चांस को हम
छोड़ देते हैं तो बिल्कुल हम बहुत बड़ा हमका हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बात वो बता रहे हैं। और पत्नी को क्या बताते हैं, जामा हो आपको नहीं अर्धं शेष काम से माननी जस्य स्वधर्म अध्यस्य पुमंस चरद विचरण। गृह में पति अपने समस्त कार्यों को पत्नी के ऊपर न्यस्त करते हुए वो बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। पत्नी का बहुत काम होता है। कल इस बात पर हम कथा को विराम दिए थे। बंशीधर स्वयं बताते हैं पत्नी का कैसा काम होता है, मतलब पत्नी के ऊपर पति कौन कौन सा कार्य न्यस्त करते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। और एक आचार्य भी बहुत सुंदर लिखे हैं, आगे आएगा। दृष्ट गृह रक्षा वस्तु संचयन आदि लक्षण और अदृष्ट दैव पित्र अतिथि सेवन आदि स्वर्गादि हेतु। घर में जितना जैसे घर में संध्या कर्म होता है, घर में संध्या होता है, इधर होता है कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन भारत में तो हमने ऐसे देखे हैं, गांव में ऐसा सभी लोग देखते होंगे। शाम को घर में जो माँ लोग रहते हैं, मैं लोग रहते हैं, वो जाकर शाम को तुलसी के पास दीप जलाते हैं। देखे हैं ना, दीप जलाते हैं, घर में भी दीप जलाते हैं। शायन शायन बती बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में शायन बती देते हैं। ये काम किसका है, पति का या पत्नी का? पत्नी करते हैं ना। देव पूजा ये सब साथ में जितना सब काम है, अगर कोई पर्व आ रहा है तो घर में जितना भी काम है वो पत्नी का होता है। ये सभी काम पत्नी के ऊपर न्यस्त करते हुए पति को बहुत आराम मिलता है। आराम मतलब क्या, मतलब पत्नी ऐसा कि उनको स्पिरिचुअली वो हेल्प करती है, इसलिए पत्नी का इतना काम है तो पति पत्नी को भी बहुमानन करना चाहिए। यहाँ जो कश्यप मुनि अपने पत्नी दीप्ति को जो प्रशंसा कर रहे हैं, ये सही बात है, प्रशंसा करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, क्या श्लोक है, नारी सत्र पर्यन्ते मालूम है ना, तत्र एक श्लोक है, जत्र नारिया पूज्यन्ते, जिधर नारी का पूजा होता है वहां स्वयं लक्ष्मी रहती है। नारी का पूजा होना चाहिए। पूजा मतलब क्या, आरती लेकर पूजा करेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं, पूजा मतलब उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनका बहुत काम होता है ना घर में। लेकिन वो नारी भी ऐसा होना चाहिए ना, घर में अगर वो ऐसा काम करते हैं तो सम्मान के भाजन है। अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये बोलते हैं ऐसा। अच्छा, और क्या बोलते हैं, जामसित्य इंद्रियारातिन्द्रजया नेत्रश्रमय वयम जय महराभिदस्य दुर्गपतिं यथा। पहले श्लोक में वो बताए पत्नी को कैसा बताया, एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे समुद्र को तरने के लिए नाव होता है, संसार सागर को तरने के लिए पत्नी नाव की तरह होता है। इधर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए, जामश्रित इंद्रिय रातिन दुर्जयन इतर आश्रम। इतर आश्रम और गृहस्थ आश्रम को कंपेयर करते हुए ये बात बोल रहे हैं। देखिए, इंद्र सभी का है, जो आश्रम में जो भी रहते हैं, इंद्रिय तो सभी का है ना, और इंद्रिय बहुत बलवान है, बलवान इंद्रिय। इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक तरीका है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे पत्नी है ना, ये बहुत सुंदर बात बताते हैं। इंद्रियों सब कैसे हैं, दस्यु जैसा होते हैं। ये इंद्रिय सब दस्यु है, हमको लूटते हैं। प्रहलाद महाराज भी ये बात बताते हैं सातवां स्कंध में, सभी इंद्रिय दस्यु है। तो दस्यु का काम क्या है, वो तो लूटेंगे, मतलब हमको भगवान की सेवा से विमुख करेंगे। सभी इंद्रियों का काम क्या है, जैसे भगवद गीता में भगवान भी बताए हैं इंद्रियों का काम क्या है, इंद्रियों अपनी इंद्रियों भोग्य वस्तु की ओर दौड़ेगी।
भोग करने के लिए भोग प्रवणता है, सात सभी इंद्रिय हमारा भोग प्रवणता है, उनका भोग भोगने के लिए वो लालयित है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक क्या बोलते हैं, एक दुर्ग जैसा है वो बोलते हैं, मतलब अन्य आश्रम में इंद्रियों को संयम करने के लिए एक संग्राम चलता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में वो संग्राम तो सभी आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में भी है, लेकिन इंद्रियों को पत्नी के माध्यम से वो शांत कर सकते हैं, ये बात वो बताते हैं। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, नहीं तो क्या होगा। देखिए ये संसार में जो विवाह प्रथा है, प्रथा क्यों है, विवाह प्रथा इसलिए है, नहीं अगर विवाह प्रथा नहीं रहता तो क्या होगा मालूम है, सभी लोग नरक को जाते, नरक गमन करते होंगे। क्यों प्रभुपाद महाराज इसलिए बता रहे हैं ना, इलिसिट सेक्स, असम्मित, क्या बोलते हैं इलिसिट सेक्स हिंदी में, अवैध संबंध से व्यक्ति नरक को जाएगा। लेकिन जिनके घर में पत्नी है वो तो अवैध संबंध नहीं करेगा ना, उनके लिए एक चांस है, वो दुर्ग जैसा है, अपने आप को संभल पाएगा पत्नी के माध्यम से, नहीं तो नरक को चला जाएगा। वंशी दुर्स्वामी सभी आचार्य ये सब बात बताते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल क्या होगा, स्वेच्छाचार हो जाएगा, स्वेच्छाचारी अपनी मन माफी काम करेगा, किधर जाएगा, किधर कहाँ से, किधर किसके साथ मिलेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगा उनके लिए। इसलिए हमारे लिए बंधन क्या बोलते हैं, शास्त्र का जैसा हम नियम है, हमारे लिए वैदिक विधान है, विवाह प्रथा एक विधान है, पत्नी के साथ मिलना चाहिए ठीक है, वो वैदिक विधान है, इसलिए विवाह को वैध सम्मत कहा जाता है। विवाह के अलावा जितना भी संबंध है ये सब संबंध को अवैध संबंध कहा जाता है, ये व्यक्ति नरक को चला जाएगा। देखिए वंशीधर स्वामी अपने टीका में ये बात बताते हैं, गृहस्थ इतर कामार्थ अगम्य गमन बिना नरकांशीर अनुभवती, गृहस्थ के अगर काम आ रहा है तो स्थिर हो जाएगा, कैसे, अपनी पत्नी के वास्ते वो अपने आप को संभल पाएगा, नहीं तो ये अगम्य गमन करेगा, वैश्यासम करेगा, इसका परिणति क्या होगा, नरक को चला जाएगा। वस्तुतः स्त्री मात्र से तेषां अगम्यत्वात् अवश्यं तेषां तप्तसुर्मिख्यं नरके वासो, कौन सी नरक को जाएगा, तप्तसुर्मि नामक नरक को चला जाएगा। तो इस नरक को जाने के जो रास्ता है, ये रास्ता को पत्नी बंद कर देती है अपने पति के लिए, पति को अवैध संबंध करने के लिए वो नहीं चांस दे रहे, इसलिए दुर्ग जैसा बताते हैं। जस्तु तत्रापि व्यभिचारादि निष्ठ स न गृहस्थ, किंतु पतित एव सुतस्यापि अवश्य नरके वास, अगर कोई गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यभिचार हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, देखिए स न गृहस्थ किंतु पतित एव, अगर कोई घर में रहते हुए, घर में है पत्नी के साथ उनका संबंध हो सकता है वो तो वैध है, लेकिन अगर दूसरा संबंध अगर उनका हो रहा है तो वो न स गृहस्थ, वो गृहस्थ नहीं है किंतु पतित एव। देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो सद्गृहस्थ है उनके ऊपर भगवान कितना प्रसन्न होंगे मेरा सोचिए शास्त्र के सिद्धांत से, लेकिन जो दूसरा संबंध रखते हैं वो बिल्कुल पतित एव, और उनके लिए क्या होता है, सुतस्य अपि अवश्य नरके वास, उनके सुतस्य अपि उनके पुत्र उनको भी लेकर नरक को चला जाएगा, ये शास्त्र में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए ए गृहस्थ इज सेव्ड हाउएवर बिकॉज ऑफ हिज फेथफुल वाइफ, ए गृहस्थ सेव है क्योंकि उनके फेथफुल वाइफ के वजह से। सेक्स लाइफ इज द कॉज ऑफ मेटेरियल बॉन्डेज एंड देयरफॉर इट इज प्रोहिबिटेड इन 3 आश्रम्स एंड इज अलाउड ओनली इन द गृहस्थ आश्रम। ये तो इंग्लिश तो बहुत प्रभुपाद का इंग्लिश बहुत सिंपल इंग्लिश है, सभी को समझ में आ पाएगा।
नहीं तो क्या है, सेक्स लाइफ इज द कॉज ऑफ मेटेरियल बॉन्डेज, ये भौतिक बंधन के कारण है, यौन संबंध ये भौतिक बंधन के कारण है, इसीलिए देयरफॉर इट इज प्रोहिबिटेड इन थ्री आश्रमस, इसलिए तीन आश्रम के लिए ये वर्जित है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, तीन आश्रम के लिए वर्जित है, सिर्फ एक आश्रम के लिए ये सैंक्शन किया गया है, कि वो भी मनमाफी नहीं शास्त्र के सिद्धांत से, कैसे संबंध होना चाहिए ये भी होना चाहिए, ये भी सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए तो मना कर रही है शाम के समय को, तो मना कर रही ना, वो निवेदन कर रहे थे, द्वितीय आयता निवेदन कर रही है, लेकिन कश्यप मना कर रहे हैं, इसलिए बात बताया गया। गृहस्थ का मतलब वो अपनी पत्नी से मिलेंगे, लेकिन क्यों मिलेंगे, क्यों सहवास करेंगे, क्या कारण क्या है, सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, ना ना ना। प्रभुपाद महाराज क्या लिखते हैं देखिए, द गृहस्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्वालिटी ब्रह्मचारीज वानप्रस्थस एंड सन्यासी, ये गृहस्थ के कार्य है। द गृहस्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्वालिटी ब्रह्मचारीज, आज देखिए ये सही बात है, ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए। आजकल अगर साधु समाज में, साधु समाज में कोई गलती हम देखते हैं, हम बोलते हैं ये साधु होकर ऐसा काम करते हैं, हाँ ये तो साधु का दोष भी है, लेकिन जरा सोचिए वो साधु कहाँ से है, वो साधु कहाँ से आया, गृहस्थ से आया ना, उनके ऊपर किन का संस्कार है, उनके पिता माता का तो संस्कार है ना, तो अगर पिता माता का संस्कार ठीक नहीं होगा तो जो साधु होता है वो कैसे ठीक होगा, साधु के ऊपर हम दोष लगा देते हैं, ठीक है वो तो गलती काम करते हैं, सिद्ध तो ये दोषी है, लेकिन इसका बीज क्या है, कहां से दोष पैदा होता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। इसलिए गृहस्थ को आप जरा सोचिए, रोज रोज कितना जीव इस संसार पर आते हैं, जन्म लेते हैं, कोई बता सकता है, रोज डेली लाखों लाखों, ये तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में हमारा क्या बोलते हैं सेंसस मालूम है ना, जो जनगणना विभाग है, सेंसस में हमारा एक डिवोटी थे, वो बता रहे थे भारत में एक मिनट में कितने बच्चे पैदा होते मालूम है, एक मिनट में 34 बच्चे पैदा होते हैं और 14 लोग मरते हैं, वो सेंसस का गणना है, मतलब सरकारी गणना ये है, और भी बहुत गिनती में नहीं है आया होगा शायद। अच्छा एक मिनट में 34, तो एक घंटा में कैलकुलेट कर दीजिए, एक दिन में 24 घंटे में कितना जीव जन्म लेते हैं, जरा सोचिए। अच्छा ये जो जन्म लेते हैं ये मनुष्य का गणना है, अच्छा कितना मच्छर जन्म लेते हैं एक मिनट में, कितना पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, कितना मछलियां जन्म लेती है, तो बहुत सारा जीव है ना, तो कितना जन्म लेते हैं, तो जो भी जन्म लेते हैं, अच्छा वो जीवात्मा उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा होगा, उनको उनका कर्म फल के हिसाब से उनके ऊपर स्थित है कि नहीं, तो कौन सा जीवात्मा साधु होगा, साधु मतलब नहीं कि सफरन ड्रेस कौन पहनेगा, नहीं नहीं नहीं, साधु मतलब साधु स्वभाव विशिष्ट कौन होगा, जितने जीवात्मा आते हैं उतने जीवात्माओं से कोई कोई तो साधु जीवात्मा भी है ना, है कि नहीं, तो वो साधु जीवात्मा एक गृहस्थ के परिवार में क्यों नहीं पैदा होता है, क्यों नहीं जन्म लेता है, समझ में आया ना बात, तो साधु साधु जितने सब साधु आए हैं, कोई कोई पिता माता को तो माध्यम करते हुए इधर आना पड़ा ना उनको, तो हमारे घर में क्यों नहीं आते हैं, आ सकेंगे कि नहीं, कैसे आएंगे, पेरेंट्स में क्वालिटी होगी तो वही तो चर्चा का बात है।
जब पेरेंट्स सही हो जाएंगे तो उस परिवार को एक सही जीवात्मा आएगा। ये सही बात है। देखिए प्रभुपाद इतने बड़े संत है, इतने बड़े साधु है, उनके पिता माता का संस्कार देखिए, उनके पिता माता का संस्कार देखिए। तो उनके घर में शुद्ध साधु आ गए। जो भी साधु आज बन चुके हैं तो उनके पिता माता का संस्कार है ना उनके ऊपर, नहीं तो कैसे होगा। तो ये बात मैं बोल रहा था, तो द गृहस्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्वालिटी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एंड सन्यासी। इसलिए यहाँ ये देखिए क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी को प्रशंसा करते हुए बताती हैं, कश्यप मुनि बताते हैं कि आप दुर्ग जैसे हैं। मतलब पत्नियां, घर में पत्नियां दुर्ग जैसे, दुर्ग में जैसे एक राजा सुरक्षित रहता है उसी तरह गृहस्थ सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे? नरक जाने से, नरक जाने से वो सुरक्षित हो जाता है, पाप कर्म करने से वो सुरक्षित हो जाता है। उनके लिए कौन सुरक्षा का कवच बनता है, दुर्ग कौन बनता है? पत्नी। तो देखिए कैसा सुंदर बात बताते हैं, पहले बताया नाव जैसा, दूसरा बताया दुर्ग जैसा। अच्छा और क्या बात लास्ट में क्या बताते हैं, देखिए न वयम प्रभवस्तं तं मनुकर्तं गृहेश्वरी अप्यवसावकर्षेण जेचन्ये गृणदुद्धव। लास्ट में ये बताते हैं न वयम प्रभवस्तं तं मनुकर्तं गृहेश्वरी, हे गृहेश्वरी हम आप जैसा नहीं हो पाएंगे, कोई भी आप जैसा मतलब पति पत्नी जैसा नहीं हो पाएगा। आपको ये विश्वास हो रहा है? लेकिन विश्वास करना चाहिए। ये बताते हैं पत्नी जैसा पति नहीं हो पाएगा, वो जितना मतलब पति के लिए कल हम चर्चा कर रहे थे ना, पति भगवान के धाम को जाने के लिए अगर एलिजिबल हो जाता है तो उनके पीछे किसका हाथ होता है? पत्नी का हाथ होता है गृहस्थ आश्रम में। पत्नी वैसा होना चाहिए। न वयम प्रभवस्तं, हम आप जैसा नहीं बन सकते हैं, आपको अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अनुकर्तुम गृहेश्वरी, गृहेश्वरी हम आप जैसा नहीं बन सकते हैं, आपको अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं देखिए, अप्यवसा व कष्टेन जेचन्य गुण वृद्ध। अप्यवसा मतलब फुल लाइफ, संपूर्ण जीवन में हम आपके ऋण को परिशुद्ध नहीं कर पाएंगे। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से ये बात बोलते हैं, पति पत्नी का ऋण को परिशोध नहीं कर पाएंगे। मतलब पत्नी भी ऐसा होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद पत्नी समझेगी हाँ बहुत अच्छा बात है, तो हमको एक लाइसेंस मिल गया है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, पति हमारा अधीन ही रहेगा। ये नहीं सोचने वाला बात है, पत्नी ऐसा सोचने नहीं चलेगा, उनका कर्तव्य करना चाहिए। बोलते हैं जेचन्य गुण वृद्धव, और दूसरा कोई गुणवान व्यक्ति भी आपके समक्ष नहीं है। वास्तव में ये सिद्धांत सही है, गृहस्थ आश्रम में पत्नी के स्त्री के ऋण को बिल्कुल कोई भी क्या बोलते हैं वो ऋण चुका नहीं पाएगा, उनका इतना कर्तव्य होता है। लेकिन ये वो जो बोल रहे हैं ये सही बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा इतना प्रशंसा करना ये गलत है। बात सही है लेकिन पत्नी के मुंह पर इतना प्रशंसा करना ये गलत है। अगर आप ऐसा प्रशंसा करेंगे गया। ये भी सोचने लगाते हैं, अगर पत्नी को इतना प्रशंसा करेंगे तो पत्नी क्या बोलेगी, हाँ पत्नी अभी मेरा जकड़ में है, वो तो नचाएगा ना, नचाएगी नहीं। इसे इतना प्रशंसा करना नहीं चाहिए। लेकिन कश्यप मुनि क्यों इतना प्रशंसा कर रहे हैं? हाँ ये काल को क्षेपण करने के लिए। व्यवहारिक और शास्त्र दृष्टि से ये शास्त्र का सिद्धांत है, पत्नी का बहुत बड़ा गुण क्या है, नारी का बहुत बड़ा गुण क्या है, और क्या सहिष्णुता एक है, और बहुत बड़ा बड़ा गुण भी है और बहुत बड़ा बड़ा दोष भी है नारी का। शास्त्र में दो बात बताया गया है, शास्त्र में नारी का दोष भी बताया गया है। नारी का दोष अगर सुनेंगे तो
तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, अरे इतना दोषी है, इतना दोष है उनके ऊपर। हाँ दोष भी और गुण भी है। सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है समर्पण भाव, वो समर्पित है। वो किसी को क्या बोलते हैं, आसानी से अपना बना लेती है। स्नेह है, समर्पण भाव है। देखिए पत्नी, हम देखते हैं ना माता जी, कोई तो पता है, हम सबको पता है, एक जगह पर वो जन्म लेती है, लेकिन एक दिन आता है सबको छोड़कर चला जाना पड़ता है, सबको छोड़कर जाना होता है। देखिए एक स्नेह संबंध को छोड़ करके उनको जाना होता है, जाकर दूसरी जगह पर जो सब बिल्कुल उनके लिए नए आदमी है, उनका कोई पहचान नहीं है उनके साथ, लेकिन बाद में उनको सब अपना लेती है। देखिए कितना स्वभाव, अच्छा स्वभाव है। ये गुण हमारे पास ये गुण आना बहुत मुश्किल है। दूसरी जगह पर जाएगा दूसरे आदमी को, जिनको वो बिल्कुल पहचानती नहीं, और सबको अपना बना लेती है। तो स्नेह भाव है ना। अगर पत्नी चाहेगी, ये सही बात है, अगर पत्नी चाहेगी तो जितने भी घर में जितने भी प्रॉब्लम हो, एक दिन नहीं लगेगा वो बिल्कुल सब कुछ सेट कर देगी, है कि नहीं? कर पाएगी? आप कर पाएंगे? घर में जितना प्रॉब्लम हो, जितना अमन हो, जो भी हो, एक दिन में वो सेट कर देगी। ये गुण है, भगवान ने उनको दिया है। और बदगुण भी है, घर में जितना शांति हो, जितना श्रृंखला हो, जो भी हो, एक दिन नहीं लगेगी बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगेगा बिल्कुल वो बिगड़ देगी सब। ये भी है? हाँ जी, अच्छा भगवान सैंक्शन कर रहे हैं शायद। ये सही बात है, और क्या, ये तो सही बात है। तो ये इतना प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि ये काल को व्यतीत करने के लिए, पत्नी वास्तविक ये, लेकिन सिद्धांत सही है, उनका जीवन समर्पित जीवन है। भगवान सभी को डिफरेंट क्वालिटीज दिए हैं, पति को डिफरेंट क्वालिटी दिए हैं, पत्नी को डिफरेंट क्वालिटी दिए हैं, लेकिन वो मिलकर रहेंगे, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करेंगे, ये भाव होना चाहिए। ये शास्त्रों का सिद्धांत है, गृहस्थ आश्रम का ये लक्ष्य है। लेकिन यहाँ वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं प्रभुपाद महाराज क्या लिखते हैं, देखिए, सो मच ग्लोरिफिकेशन ऑफ ए वुमन बाय हर हस्बैंड इंडिकेट्स दैट ही इज हैंडीकैप्ड और इज टॉकिंग लाइटली इन जोक। प्रभुपाद ये बात बता दें, अगर इतना ज्यादा प्रशंसा करता है तो सोचना चाहिए ये सही है, हो सकता है वो बिल्कुल क्रीड़ामूर्ख जैसे बिल्कुल बसी होते, इसलिए प्रशंसा कर रहा है, ये एक बात हो सकता है। दूसरा बात हो सकता है, और इज टॉकिंग लाइटली इन जोक, या फिर जोकिंगली ये बात बोल रहा है। अच्छा कश्यप मुनि कैसे बोल रहे हैं, कि क्या बसीभूत थे या जोकिंगली बोल रहे हैं? नहीं, वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? तो काल को क्षोभित करने के लिए। तो शास्त्र में जो हम पति के बारे में सुन रहे हैं, पत्नी के बारे में सुन रहे हैं, उनका कर्तव्य के बारे में सुन रहे हैं, वो ऐसा होने चाहिए, हम ऐसा होने चाहिए, ये सब हम जो सुन रहे हैं ये शास्त्र का सिद्धांत है। पत्नी का ऐसा कर्तव्य है, पति का ऐसा कर्तव्य है, वो होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे जैसे जरा सोचिए, आप लोग सब इंडिया से आए, इधर आने के बाद इधर का नियम को फॉलो करना चाहिए। आप नहीं बोल सकते, नहीं नहीं वहाँ जो नियम है मैं यहाँ उस नियम को पालन करूँगा, हो सकता है उधर के नियम में रास्ता में लेफ्ट साइड जाना उधर का नियम है ना, आप इधर बोलेंगे नहीं मैं लेफ्ट साइड ही जाऊँगा, हमारे देश में ये नियम है, नहीं ये नहीं हो सकता। जिधर जाते हैं उसका नियम, वो स्थान का नियम हमको पालन करना चाहिए। हम अगर जेल को जाएंगे, जेल को जाने के बाद हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारे रूम में एसी लगाना चाहिए, हो सकता है? नहीं, हम जिधर जाते हैं उधर का नियम का मालूम होना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का नियम भी मालूम होना चाहिए, और उस हिसाब से हमारा जीवन को
अगर चलाना चाहिए, तब क्या हो, भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये इतना प्रशंसा कर रहे हैं वंशीधर स्वामी। ये बताते हैं स्त्री के गुण के बारे में। देखिए वंशीधर स्वामी वो भी बताते हैं, वास्तविक हम जो बोल रहे हैं ये श्लोक से ये बताया गया है। कश्यप मुनि बता रहे हैं कि कोई भी आप जैसा नहीं हो सकता है, मतलब पुरुष पत्नी के जैसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखिए वंशीधर स्वामी बताते हैं। स्त्री गुणास्तु, स्त्री के गुण क्या है, जा पति नरकात्रक्षण तादृशी वय मत सदृश गुण कृत्रिम। क्योंकि वो नरक को जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता को बंद कर देती है पति के लिए। और उनके गुण क्या है, स्त्री गुणास्तु गृह शोधनम, गृह को शोधन करती है, संतति उत्पादनम, आगम्य आगमन रक्षण, घर में जो अतिथि आते हैं जो भी आते थे और घर का जो चीज है वो सब रक्षण करते हैं, प्रिय संभाषण पत्नी प्रिय संभाषण करेगी, पाकादि नैपुण्य रसोई कार्य में वो नैपुण्य है। घर में कौन ज्यादा रसोई करते हैं, पत्नी करते हैं ना, हम कभी कभी कर सकते हैं लेकिन पत्नी तो ज्यादातर करते हैं ना। पाकादि नैपुण्य आदि अस्ते दृष्टि मत जे ते अपि स्त्री प्रति उपकर्तुम अक्षमा। इसलिए स्त्री के उपकार को हम कभी भी ये ऋण हम चुका नहीं पाएंगे, ये शास्त्र का सिद्धांत है। सतत तद अनुकूल्यम एवं दृष्टांत इति भाव। इसलिए पत्नी होकर भी पत्नी की ऐसे प्रशंसा करें, लेकिन इतना प्रशंसा करना उनके समक्ष इतना प्रशंसा करना अच्छा नहीं है। ये काल क्षेपण करने के लिए ये बता रहे हैं। आप अगर इतना प्रशंसा करेंगे पत्नी के सामना, पत्नी के सामने आप जाकर इतना प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा रजू जी, क्या होगा पत्नी क्या समझेगी? अगर आपके पति आपको इतना प्रशंसा करेंगे तो आप क्या समझेंगे, अरे मैं इतना बड़ा हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, मैं मेरा पति को जो भी बोलूंगी वो जरूर करेंगे, ऐसा भाव आ जाएगा ना। ये काल को क्षेपण करने के लिए ये बात बता रहे हैं। देखिए लास्ट बताते हैं, अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालया। अथापि काममेतं ते, मैं आपकी कामना को पूर्ण करूंगी, आपका जो चाहत है ये चाहत को मैं पूर्ण करूंगी। प्रजाते करवाणि अहम फलम, प्रजाते आपकी कामना क्या है, प्रजा मतलब आप पुत्र चाहते हो, तो मैं ये आप ये काम ये कामना पूर्ण करूंगा, आपको पुत्र दूंगा। कब दूंगा, अलम अलम अति शीघ्र आपको पुत्र दूंगा, कोई चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या बोलते हैं, देखिए कश्यप मुनि बोलते हैं, यथा मां नातिरोचन्ति, जैसे लोग हमको निंदा नहीं करेंगे। जथा मान नातिरोचन्ति, जैसे लोग हमको निंदा नहीं करेंगे वैसा काम कीजिए। चक्रोत्पाद और गिरधरलाल बहुत सुंदर टीका बताते हैं, ननु अलं बाक विलासेन काल विलंबस्य दुख सहत तुर्णं तल्पग्रं परविशेदि तत्राह नातिरोचन्ति न निंदति। ये सम ये जो संध्या का काल था, शाम का समय था, ये समय बीतने के बाद उनको वो पुत्र देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बोल रहे हैं क्यों, जथा मांग नाति रोचन्ति, जैसे हमको कोई निंदा नहीं करते हैं, जैसे निंदा नहीं करेंगे ऐसा काम करना चाहिए। हम जो आश्रम में है वो आश्रम का अगर मर्यादा को सही तरीके से हम नहीं निभाएंगे तो हम निंदित हो जाएंगे कि नहीं। जैसे आप ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी अगर सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, निंदा का पात्र बनेंगे कि नहीं। उसी तरह शास्त्र में जो सब सिद्धांत है, जैसा हमको चलना चाहिए, जैसा हमारा कार्य होना चाहिए, शास्त्र में जैसा वर्णन दिया गया है, उसी तरह अगर हम हमारा जीवन को नहीं चलाएंगे तो लोग निंदा करेंगे। कौन निंदा करेंगे, जिसको ये बात मालूम, जिनको मालूम नहीं वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं, जिनको मालूम है वो निंदा करेंगे। ये बात कश्यप ने बताया, तब पुत्रोत्पत्ति एवं एतं काम अर्थम अलं पूर्ण करवाणी।
आपके जो पुत्रोत्पत्ति काम है, जो कामना है, ये सही है, मैं ये कामना को पूर्ण करूंगा, परंतु जथा लोका मांग नाति रुचंती च न निंदेयो। जैसे लोग हमको नहीं निंदा करेंगे, क्यों निंदा करेंगे, क्योंकि समय क्या है, शाम का समय, संध्या काल है। तथा मुहूर्तम संध्या कालम प्रतिपाय, इस संध्या समय को बीतने दीजिए। उस दिन हम सुन रहे थे ना, संध्या काल में तो संप्रप्त है चतुष्कर्म निवर्ज्य, संध्या काल में चार कार्य करना नहीं चाहिए, क्या क्या और क्या और क्या पूजा पूजा तो करना चाहिए ना, संध्या और संध्या कालं तु संप्रप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च विशेषतः, विशेषतः ये चार कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात इधर टीका में बताया गया है, मैं दोस्त दिन होता दिया तो कश्यप मुनि को ये बात पता था, इसलिए वो मना कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है और लोग भी निंदा करेंगे। देखिए अगर हम असत्संग करते हैं तो जबरदस्त हमको गलत रास्ते पर जाना पड़ता है। दीदी देखिए दीदी क्या बोल रही है, असत्संग का काम जैसा को बता रही है ना, उनको बाध्य कर रही है, नहीं मुझे पुत्र दीजिए, मेरा हृदय जलन में जलन हो रहा हूँ, मेरे अंदर जलन हो रही है, ये बात बता रही है। असत्संग का काल असत्संग का ही परिणति है। और बताते हैं इस समय को क्यों हमको अपेक्षा करना चाहिए, इस समय के बाद ही जो कुछ करना है क्यों, ये बताते हैं। ऐसा घोरतमा बेला घोरणं घोरणं घोर दर्शन चरंती जस्यं भूतानि भूतेषानु चराणिह, ऐसा घोरतमा बेला, ये बेला ये जो समय है, ये जो शाम का समय है, घोर समय है, शाम का समय बहुत घोर है। घोरणं घोर दर्शन ऐसा बेला घोरतमा उग्रतमा घोरणम अपि घोर दर्शना घोरं दृश्यत इति यथा दस्यं संध्या बेलायं भूतेशो रुद्र। शिवजी संध्या के समय में शिवजी निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, अपनी अनुचरों के साथ, भूत प्रेत इत्यादि अपने अनुचरों के साथ शिवजी निकले हैं, निकलते हैं। इसलिए आपको शायद पता होगा, देखिए जितना मंदिर है, दूसरा मंदिर विष्णु मंदिर में रात को ठाकुर को शयन दिया जाता है, रात को बंद होता है, लेकिन शिव मंदिर में देखिए क्या होता है, शाम के बाद ही बंद कर देते हैं, शाम के बाद आरती हो जाता है, बंद कर देते हैं शिव मंदिर में, प्राय देखा जाता है। कोई कोई किधर किधर खुलते हैं तो हो सकता है, पता नहीं उनको, लेकिन शिव मंदिर ज्यादातर बंद हो जाते हैं शाम के समय, क्यों, क्योंकि शिव जी निकले हैं, निकलते हैं। इसलिए मंदिर में आप देखे होंगे शायद, या फिर पता होगा आपको शायद, भारत में ऐसा है, मंदिर में जाकर जो क्या बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं अध्याय बुढ़िया हिंदी कौन, जाकर ठाकुर के पास जो हिंदी में क्या होगा, हाँ जी प्रेयर, नहीं आश्रित नहीं, वो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मांगने के लिए कुछ दिन तक वहां पर पढ़ते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में एक टर्म होना चाहिए, हो सकता है आपको शायद मालूम नहीं हो, उड़िया बोलते हैं अध्याय बुढ़िया, अनुष्ठान करते हैं, हाँ वापस नहीं आएंगे, उधर सोएंगे, उधर ही रहेंगे, बैठक बोलते हैं, बैठते उधर जाके बैठे रहते हैं, सात आठ दिन तक उधर ही बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और पठन वगैरह करते हैं, फिर बाद में अनुष्ठान करने की, अनुष्ठान बोलते हैं। अच्छा जो भी हो आप समझ लीजिएगा क्या मैं कहने के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना, भवानी प्रभु अध्याय पढ़ते हैं, हिंदी क्या है, अनुष्ठान बोलते हैं आप, ठीक है। तो शिव मंदिर में जो जाकर अनुष्ठान के लिए जो सोते हैं, सामने नहीं सोते हैं, मालूम है क्यों, अगर सामने सोएंगे शिव जी निकलेंगे ना रात को, शाम को निकलेंगे अपने अनुचर के साथ निकलेंगे, वो उनके लिए दिक्कत होगा, और आपको बिल्कुल भूत प्रेत जो आएंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर चला जाएंगे। इसलिए जो शिव जी के मंदिर में जाकर पढ़ते हैं
वो साइड में सोते हैं। ये सब भारत में उड़ीसा में है, आपको पता चला है धीरे धीरे, इधर तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो लोग ये समय है दूसरा समय, और उस समय शिव जी तस्य अनुचराणी भूतानी प्रमथाख्य भूतानी चरंती संचरंती अतो अपि न एम अवसर इति भाव। तो उस समय शिव जी अपने अनुचर को लेकर निकलते हैं, इसलिए उस समय में ये सब कार्य करना बिल्कुल मना है। देखिए कश्यप जी को सब कुछ पता है ना, सभी जीव उनसे ही सुष्ट है, उनका सब कुछ पता है, लेकिन देखिए कश्यप के लिए कितना बड़ा समस्या है, वो कैसे वो मैनेज करेंगे। पत्नी देखिए, पत्नी का जो चाहत है वो सही है, वो तो पुत्र मांग रहे हैं वो तो सही है, लेकिन समय दूसरा है, समय शाम का समय है, पत्नी को मनाना पड़ेगा, समय को टालना पड़ेगा, ये सब उनका मैनेज करना पड़ता है, और पत्नी को भी उनका कामनाएं पूर्ण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी को बोलते हैं भारिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारिया भारिया अर्धांगिनी, नहीं अर्धांगिनी शब्द तो है भारिया, पति में पति को भर्ता, भारिया भर्ता, भर्ता का मतलब क्या है, वो भरण पोषण करेंगे, पत्नी जो चाहती है उनको वो देगी, पत्नी जो चाहेगी। इसलिए आप आज सुनकर जाकर घर में क्या करेंगे, फरमाइश करेंगे हमको ये चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, हमको नेकलेस चाहिए, हमको ये चाहिए, नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है, पत्नी जो चाहेगी पति उनको देंगे, इसलिए वो भर्ता है, पत्नी भार्या है। तो कश्यप भर्ता है, पत्नी जो चाहती है उनको तो देना पड़ेगा ना, लेकिन ये समय दूसरा समय है। इसलिए देखिए ये शास्त्र बहुत, ये जो प्रसंग में बहुत सारा शिक्षा है, गृहस्थ में शिक्षा है, वैकुंठ की वर्णना है, हम तो सुनेंगे आगे, आगे सुनेंगे वैकुंठ का कैसा वर्णन है। जय विजय का अभिशाप ये तो शायद नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा प्रसंग है, जय विजय कैसे अभिशाप प्राप्त होंगे, वो कैसे आएंगे, उस तक हम नहीं जाएंगे, बस वैकुंठ वर्णना हम सुनेंगे, वैकुंठ हम कैसे जा पाएंगे उतने तक हम सुनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वहाँ जाना है। इस सिलसिले में हमको बहुत सारा जानकारी मिलता है। तो ये भूत के इस है, भूतेश है, अति दयावान शिव जी, अति दयावान है। गिद्धलाल अपने टीकाएं बोलते हैं, ठीक है अगर भूतों के सहित निकलते हैं तो क्या समस्या क्या है। न केवलम तब अनुचरणी, पहले बोलते हैं भवत सामर्थ्य न भूतानि अपि किं करिष्यति, आप तो समर्थवान है, भूत प्रेत जो सब आते हैं वो आपके क्या करेंगे, आप तो समर्थवान है, समर्थवान व्यक्ति के समक्ष भूत प्रेत कोई नहीं आएगा, भूत प्रेत समर्थवान व्यक्ति के समक्ष नहीं आएंगे, अगर आएंगे आएंगे किस लिए, उनके कल्याण के लिए, है कि नहीं। अगर भूत प्रेत अगर साधु के पास आते हैं तो क्यों आते हैं, उनके कल्याण के लिए, साधु को डराने के लिए नहीं। जैसे गोकर्ण के पास धुंधकारी आए थे, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, गोकर्ण के पास धुंधकारी आकर बहुत सारे रूप प्रकट कर रहे थे, उनको बहुत रूप दिखाते थे, क्यों, उनको बहुत पीड़ा हो रहा था, वो पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, निवेदन करने के लिए वो आए थे, वो जो धुंधकारी प्रेत के शरीर में था वो आया था। इसलिए साधु के समक्ष अगर भूत आएगा तो उनके कल्याण के लिए, क्यों, क्योंकि साधु समर्थवान है, और साधु भूत प्रेत को मतलब उनका कल्याण कर सकते हैं, ये बात बता रहे हैं द्वितीय, ये बात बता रही है। भगवत सामर्थ्य न भूताने पर किंग करी सकती, आप तो सामर्थ्यवान है, अगर भूत आएंगे तो क्या, कुछ तो समस्या नहीं ना, आप तो भूतों को तो दमन कर पाएंगे। तो बताते हैं न केवल तब अनुचरणी भूताने वो चरंती, हाँ आपने जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन वो सिर्फ भूत आएंगे ऐसा नहीं, भूतों के नाथ भी आते हैं, भूत प्रेत ये सब जैन मंत्रादिनापि तत् निवारण स्यात्, भूत आदि जो निकलते हैं भूतों को मंत्र के द्वारा निवारण किया जा सकता है। जैसे तांत्रिक लोग है मंत्र तंत्र उच्चारण करके वो भूतों को कंट्रोल में ले लेते हैं कि नहीं,
आप कैसा करेंगे? अगर जाते हैं भूत आ जाएगा, क्या करेंगे आप? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? हाँ जी, अगर रास्ते में जा रहे हैं, इधर तो नहीं है, इधर तो सब, हाँ इधर तो नहीं है, इंडिया, इंडिया में सब भूत है, इधर नहीं आएंगे, भूत प्रेत आएंगे। अच्छा, अगर रात को जाते समय कोई भूत दिखाई दे पड़ा तो क्या करेंगे उधर? हाँ जी, वही हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट रहेगा। अगर याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे? वो तो बहुत बड़ा लंबा चलता है ना, वही तो महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शॉर्टकट में हो जाएगा तो इतना दूर तक जाएगा। और क्या, शॉर्टकट महामंत्र में बहुत प्रसन्नित हो जाएंगे, मालूम है ना? आपको पता नहीं, हमने, मैं एक बहुत जगह पर रहा है जिधर बिल्कुल भूत है, भूत बंगला में भी रह कर आया, बहुत दो तीन ऐसा अनुभव है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाए, बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे। डर लगेगा? नहीं नहीं, ठीक है, बोल रहे। एक जगह पर मैं प्रचार के लिए गया था, हमारा टीम गए थे, लेकिन वो टीम जाकर दूसरे जगह पर रहते थे, एक भक्त के घर पर रहते थे, मुझे सबके बीच में रहना अलग अलग मुझे पसंद नहीं, मैं अकेला रहता हूँ जिधर भी रहता हूँ। तो मैं एक स्कूल में रहता था, लेकिन स्कूल में स्कूल का स्टाफ जितने भी थे, तो स्कूल का जो हेडमिस्ट्रेस थे, वो भी मना कर रहे हैं, प्रभु जी इधर मत रहिए, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे क्यों रहना नहीं चाहिए, वो खुलकर नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं प्रभु जी इधर मत रहिए, आपके लिए हम दूसरा घर देख लेंगे, आप जाकर उधर रहिएगा, इधर नहीं रहिए। मैं बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, इधर रहूँगा, कोई बात नहीं, बस एक काम कीजिए, मेरे लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दीजिए, बस हो जाएगा और कुछ काम नहीं। तो मेरा जिद देखकर वो उन्होंने राजी हो गए, मैं उधर। अच्छा, वो स्कूल का रूम है ना, स्कूल में थोड़ा अटैच लेट्रिन बाथरूम होता है क्या? नहीं, वो रूम में मेरा था, रात को पेशाब के लिए बाहर गया, रात एक साढ़े ऐसा टाइम है, पेशाब के लिए जब बाहर गया, एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ है, वो ऊपर से बहुत बाली, कौन कौन थी हिंदी में, बालू, बहुत सारा बालू मेरे ऊपर बिल्कुल गिरा दिया हुआ। मैं पेशाब कर रहा था, पेशाब कर रहा था, उसमें बहुत सारा बालू ऊपर पड़ गया, वो जो बड़ा, मैं बोला अच्छा, वो इसीलिए ये सब मना कर रहे हैं, इधर रहना मत। मैं बोला ठीक है, तो कितना बालू डालने डालता है डालने दो, मैं झाड़ उठ कर बस जाकर फिर सो जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल मैं उठा फिर जाकर सो गया। सोने के बाद फिर आकर वो साइड में एक विंडो था, स्कूल का विंडो जितना हो आपको मालूम है, तो क्या बोलते हैं जो ना, ग्लास नहीं, टीन, 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 वहाँ कर धड़ 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 धड़। मैं बोला क्यों ऐसा करते हो तू, जो मेरा कोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं सो गया। बाद में दूसरे दिन जब ये बात सभी को मैं बताया, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, रात को रोज मेरे लिए दूध लेकर आते थे, उस दिन से जब दूध लेकर आए, तीन आदमी आए, चार आदमी लेकर आए। मैं बोला कि तीन चार आदमी, प्रभु जी आप इधर कैसे रहते हैं? बोला क्यों, क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं जिस रूम में रहता था, वो सामने पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर से बालू नीचे गिर रहा था, उस पेड़ में एक आदमी ने सुइसाइड किया था, रस्सी लगाकर सुइसाइड किया था उस पेड़ में। इसलिए शाम के समय, शाम से बिल्कुल आगे स्कूल की तरफ गांव का कोई भी आदमी नहीं आता था, इसलिए मुझे मना, प्रभु जी आप मत रहिए। बोला कुछ कोई बात नहीं, ठीक है रहने दीजिए। तो देखिए कहने का तात्पर्य, भूत प्रेत होते हैं लेकिन हमको वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आते हैं उनके कल्याण के लिए। अच्छा, शिव जी ये सब भूतों के मालिक है। शिव जी कहाँ रहते हैं? देखिए शिव जी तो भय लगता होगा ना शायद, नहीं, शिव जी के ये सब अनुचर है,
बहुत सारा जगह हम प्रचार के लिए गए थे, बहुत सारा जगह, एक जगह पर श्मशान में बिल्कुल रहे, श्मशान के पास एक शिव जी का मंदिर है वहाँ हम रहते थे। आपको शायद मालूम होगा उदयगिरी, उदयगिरी मालूम है ना, राय के पहले शिव जी के पास, बिल्कुल वो श्मशान के पास शिव जी का मंदिर है। वहाँ भी सब गाँव वहाँ जितने भी लोग थे वो भी मना कर रहे थे, प्रभु जी वहाँ मत रहिए, आप आकर उधर रहिए, रहने दीजिए। तो कहना तात्पर्य है भूतानि एव चरन्ति येन मन्त्रादिना अपि तत् निवारणं स्यात्। ये भूत प्रेत ये सबको मंत्र के द्वारा निवारण किया जा सकता है, लेकिन उनके मालिक जो है वो स्वयं आते हैं। कौन? भूत के मालिक भूतनाथ। भूत उनको कैसे आप प्रशमित करेंगे, ये बोल रहे हैं। तस्यं साध्वि संध्यायं भगवान भूत भावन परितो भूत पश्यद्भि वृषेण डति भूतराट। शिव जी आ रहे हैं। एतस्यं साध्वि संध्यायं, हे साध्वि, मतलब साध्वि संबोधन क्यों करते हैं, साध्वि संबोधन करते हैं, न ही साध्विनं सदाचरणं अयं धर्म इति बोधयन् आह हे साध्वि इति। सदाचारी नारी का ऐसा धर्म नहीं है, इसलिए आप साध्वी है, आप ऐसा मत बोलिए, संध्या समय को बीतने दीजिए, इसलिए साध्वी संबोधन बोलते हैं। अच्छा, ये समय संध्या भगवान भूत भावना परि तो भूत पश्चद भी वृषेण अटति भूतराट। तीन भय दिखा रहे हैं। देखिए भूत लोग आते हैं, भूत भूत सब भूत आते हैं, और शिव जी आते हैं, और वृषेण नंदी भी आते हैं, तीन आते हैं। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर बात लिखते हैं। लॉर्ड शिवा being very kind to the ghosts sees that although they are condemned they get physical bodies, he places them into the homes of women who indulge in sexual intercourse regardless of the restrictions on time and circumstance। कितना सुंदर बात बताते हैं ये, इस शास्त्र का सिद्धांत है। प्रभुपाद ये बात बताते हैं, शिव जी भूतों को बहुत दया करते हैं। हम लोग भूतों को दया कर सकते हैं, देखकर हमको भय आएगा, हम कैसे छुटकारा पाएंगे ये सोचेंगे, लेकिन शिव जी भूतों को दया करते हैं, क्योंकि भूतों को, भूतों के लिए कोई शरीर नहीं है, वो भूत शरीर जो कैसे उनके लिए वो अशरीर है, शरीर नहीं है, ये जीवात्मा है, लेकिन वो एक जोनी है, भूत जोनी, प्रेत जोनी, तो उनका शरीर, उनको शरीर नहीं मिलता है। अब खास करके जो आत्महत्या करते हैं उनको भूत शरीर मिलता है, प्रेत शरीर मिलता है, जो आत्महत्या करते हैं। प्रभुपाद लिखे हैं मेटेरियल सुइसाइड, देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। मेटेरियल सुइसाइड कॉजेस लॉस ऑफ द फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल सुइसाइड कॉजेस लॉस ऑफ द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं। तो जो सुइसाइड करते हैं उनको बॉडी नहीं मिलता, लेकिन उनको भी शिव जी कृपा करते हैं, उनको कैसे शरीर मिले, इसलिए शिव जी क्या करते हैं, शिव जी उनको शरीर देते हैं। कैसे शरीर देते हैं, वो लाकर गर्भ में स्थापन कर देते हैं। किन के गर्भ में, जो शाम समय जो सहवास करते हैं, ये बात बता रहे हैं कश्यप मुनि। तो देखिए शास्त्रों से उनको क्या शिक्षा मिलता है, लोग समझते हैं शास्त्र हमारे लिए नहीं, जो साधु बनेंगे आश्रम वास करेंगे उनके ही, तो ये बात किसके लिए, सोचिए ये बात बाबा जी लोग के लिए, किसके लिए बात, ग्रस्त लोग के लिए। और शाम समय को अगर कोई सहवास करते हैं, पति पत्नी मिलित होते हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, वो भूतों को लाकर उनके घर में स्थापन कर देते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं मिलता, उनको शरीर दे देते हैं। ये बात बतलाकर कश्यप मुनि ने दीति को बारण कर रहे हैं कि शिव जी ऐसा नहीं, मतलब हमारा कल्याण नहीं करेंगे, एक भूत को दे देंगे। यहाँ तो भूत नहीं आएंगे, तो आएंगे बहुत बड़े भगवान के पार्षद आएंगे, लेकिन उनका स्वभाव तो जैसे बिल्कुल दूसरा स्वभाव विशिष्ट होकर आएंगे, इस शाम के समय के
बोलो, इसलिए तो हिरण को सुबह हिरण खाएंगे। तरही तत्सम्मुखत्व मात्र वर्जन्यम, इसलिए इनको इनके सम्मुख को नहीं जाना चाहिए, मतलब इस समय में हमको संयत होना चाहिए, नहीं तो शिव जी श्राप दे देंगे। शिव जी बहुत सदाचारी है, लेकिन अगर कोई त्रुटि करता है तो श्राप दे देंगे। साधु का क्रोध नहीं है, लेकिन साधु कभी कभी क्रोध भी करते हैं। अगर कोई सदाचार को भंग करते हैं तो साधु क्रोधित होते हैं। तो कश्यप मुनि ऐसे बताते हैं और क्या बोलते हैं, श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योतो जटा कलाप भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते। शिवजी कहाँ रहते हैं, उनका शरीर कैसा है, उनका रूप कैसा है, ये सब बताते हैं, और उनका कार्य कैसा है, उनको सम्मान देना चाहिए, ये बात बतला रहे हैं। शिवजी कहाँ रहते हैं, श्मशान। अच्छा, दिखते कैसे, श्मशान चक्रा निल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप। शिवजी बहुत सुंदर देखने के लिए, शिवजी बहुत सुंदर है। शिवजी का रूप क्यों है, हम शायद आज तो शायद नहीं हो पाएगा, कल हम सुन, कल तो नहीं, परसों सुनेंगे, कल दूसरा प्रोग्राम है, प्रभु जी आपको बताएंगे। तो शिवजी का रूप क्या है, कैसा है बताते हैं। शिवजी रहते हैं श्मशान में, और उनका रूप कैसा है, जैसे श्मशान में क्या होता है, बहुत सारा धूली होता है, और क्या आस, हिंदी में क्या बोलते हैं, राख, राख, हाँ, बहुत सारा राख होता है श्मशान में। जो राख होता है, जब अनिल आता है, वायु आता है, वो वायु में वो राख सब ऊपर उठता है, वो राख शिवजी के शरीर में बिल्कुल सर्वांग शरीर में वो, हाँ जी, गोचरित हो जाता है। तो कैसे दिखते हैं ये बताते हैं, चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप, जटाधारी है शिवजी, सारी शरीर के ऊपर ऐसा राख जब लगता है, वो दिखने के लिए बहुत सुंदर दिखते हैं शिवजी, वास्तविक बहुत सुंदर है। शिवजी का रूप कैसा मालूम है, इधर है शिवजी का चित्र, शिवजी का रूप कैसा है, कृष्ण के वर्ण जैसा है शिवजी का वर्ण वैसा है, देखिए भागवतम में ऐसा ही वर्णन है, कृष्ण का वर्ण जैसा है शिवजी का वर्ण वैसा है, शिवजी बहुत सुंदर देखने के लिए, बहुत सुंदर। और वहां जब ये राख उनके शरीर पर जब लगता है, देखने के लिए और सुंदर दिखते हैं, ये तो भक्तों के लिए सुंदर जैसे दिखते हैं, भूत प्रेत के लिए वो भी सुंदर है, सबके लिए तो सुंदर है। अच्छा, क्या बोलते हैं, भस्माव गुंठा मल रुक्म देहो, रुक्म देहो उनका शरीर ऐसा है, और भस्म अवंठ, भस्म जब लगता है बहुत सुंदर दिखते हैं। देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते, देखिए ये बताते हैं, देवस्त्री भी पश्यति, स्त्री भी पश्यति, ये बात क्यों बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इसलिए, अगर दीति प्रश्न करेगी, पूछेगी, ठीक है शिवजी तो चलते हैं, बाहर चलते हैं ना, हम तो यज्ञशाला में हैं, वो कैसे देखेंगे, है कि नहीं, प्रश्न हो सकते हैं, शिवजी अगर निकलेंगे वो तो अपने रास्ते में जाएंगे ना, हम तो हमारे घर में है, वो कैसे देखेंगे। इसलिए बोलते हैं स्त्री भी, मतलब उनका त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र से वो देखते हैं। त्रिनेत्र क्या क्या है, शास्त्र में सब वर्णन है, शिवजी के त्रिनेत्र, ये भी शिवजी के त्रिनेत्र के बराबर है, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है अग्नि, ये त्रिनेत्र है शिवजी का नेत्र है, त्रिनेत्र सूर्य चंद्र अग्नि। रात में सूर्य नहीं है, कोई समझ सकता है सूर्य तो नहीं है अभी, कैसे देखेंगे, चंद्र भी नहीं है, अगर अमावास का तिथि हो तो चंद्र भी नहीं होगी, तो कैसे देखेंगे सूर्य, कैसे शिवजी कैसे देखेंगे। तो तीसरा बोलते हैं अग्नि भी, अगर कोई पूछ सकते हैं अग्नि भी तो नहीं है, हमारा रसोई खत्म हो गया है, या फिर हम अभी तक रसोई नहीं किए हैं, अग्नि तो प्रज्वलित नहीं है, तो कैसे देखेंगे, अग्नि कहाँ है, लाइट नहीं, ये अग्नि
शरीर में भी अग्नि होती है। रात को तो सूर्य नहीं है ना, शरीर भी की अग्नि। हाँ ये बात है, अग्नि हमारे भीतर है कि नहीं, अग्नि हमारा शरीर के अंदर अग्नि है ना, ये अग्नि के ये अग्नि सूर्य के आँख है, शिव जी के आँख है, इसके माध्यम से हमको देखते हैं। हम आगे सुनेंगे ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम सुनेंगे नाम महिमा, हजाम चरित सुनेंगे, वहां सुनेंगे कैसे भगवान सब देखते हैं, हम जो पाप करते हैं उनको कैसे पता चलता है, सब वो आएगा टॉपिक। तो ये बताते हैं उनका त्रिनेत्र है, प्रभुपद भी लिखे हैं, लॉर्ड शिवा हैज थ्री आईज कॉल्ड द सन मून एंड द फायर एंड वन कैन नॉट एस्केप हिज विजिलेंस एनी मोर देन वन कैन एस्केप विष्णु। कोई भी उनसे बच नहीं सकेगा, भगवान के व्यतीत भगवान को छोड़कर के कोई उनसे नहीं, उनके दृष्टि से कोई क्या बोलते हैं ओझल नहीं हो पाएगा, दृष्टि से दूर नहीं जा पाएगा, शिव जी ऐसे हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, देव स्त्री भी पश्यति देवरस्ते, वो आपको देख रहे हैं, और वो कौन है, देवरस्ते तुम्हारी देवर, देवर देवर का मतलब क्या, हिंदी में देवर ही बोलते हैं ना, देवर देवर कैसे हुई वो शिव जी दीप्ति के देवर कैसे हुई, देवर किसको कहा जाता है, अपने पति के छोटे भाई को, छोटे भाई को देवर बोलते हैं ना, दीति के देवर कैसे हुए शिव जी, ब्रह्मा जी के पुत्र शिव जी भी, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप भी। इस हिसाब से प्रभुपद महाराज दूसरे हिसाब से बताते हैं, जैसे दीति दक्ष के पुत्री है, दक्ष के पुत्री है दीति है कि नहीं, शिव जी की पत्नी कौन है, सती, वो भी दक्ष की पुत्री है। तो इस हिसाब से भी प्रभुपाद बताते हैं, इस हिसाब से वो छोटे भाई होते हैं, कौन, शिव जी छोटे भैया होते हैं किसके, कश्यप के। जैसे संबंध में क्या हो गए, मेरा संबंध ज्ञान इतना नहीं है, क्या हो गए, हाँ जी सड़ू, हिंदी में क्या बोलते हैं, सड़ू साढ़ू साढ़ू ही बोलते हैं ना, तो साढ़ू भी भाई ही होते हैं कि नहीं, भाई होता है कि नहीं, भाई जैसे होते हैं कि नहीं। तो प्रभुपाद ये बात बताते हैं, इसलिए कश्यप मुनि बता रहे हैं कि शिव जी तुम्हारा देवर है, वो देवर देख रहे हैं, ऐसा शाम के समय ऐसा गलत कार्य करना अच्छा नहीं है। ननु तथापि महत्वेन आदरणस्य स्वजनस्य च तव स सर्वं क्षमेत एव तत्राह। बहुत सुंदर बताते हैं शिव जी, ननु तथापि महत्वेन आदरणस्य स्वजनस्य च तव, ये आपके स्वजन है आपको आदर करेंगे, लेकिन जब आप गलत काम करेंगे वो नहीं हो पाएगा, वो आदर नहीं करेंगे। नजस्य लोके स्वजनो परो वा नत्यादृतो नोत कश्चित् विगर्ह्य वयं प्रतेजत् शरणापविद्धम् आशस्महजं बदभुक्त भोगम्। बहुत सुंदर बात बताते हैं, नजस्य लोके स्वजनो परो वा, इस लोक में शिव जी के कोई स्वजन नहीं है, कोई पर नहीं है, जैसे भगवान के कोई स्वजन है, कोई पर है, कोई भी नहीं, जो उनके भजन करते हैं वो उनके अपने हैं। भगवान किसको पर करेंगे, किसको दूर कर देंगे अपने से, किसी को भी दूर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि सभी जीव के अंदर तो वो है ना, भगवान सभी जीव के अंदर में है कि नहीं, तो कौन सा जीव ऐसा है जिसको भगवान दूर करेंगे नहीं। उसी तरह शिव जी का भी भाव ऐसा है, उनके कोई अपना नहीं है, उनका कोई पर नहीं है, भगवान के विरोधी हो सकते हैं, जैसे देखा जाता है भगवान के विरोधी, भगवान के शत्रु हैं, लेकिन शिव जी की कोई शत्रु ही नहीं। जैसे असुर लोग भगवान को द्वेष करते हैं, भगवान के विरुद्ध जाते हैं, असुर लोग शिव जी के विरुद्ध कभी कभी गए हैं क्या,
कभी नहीं। शिव जी को वरुण पूछते हैं, देखिए शिव जी का स्थिति ऐसा है, शिव जी का कोई विरोधी नहीं है, उनको प्रसन्न करेंगे, उनसे वर लेंगे, लेकिन उनको कोई विरोध नहीं करेंगे। कैसा स्थिति है देखिए, मतलब ये बात पूछ रही है, दीति पूछ रही है, उनका तो कोई विरोध नहीं है ना। वयं व्रतिज चरणापविद्धं आशस्म हयजं वदभुक्तो भोगां। और कश्यप मुनि बता रहे हैं, हम भी उनके कृपा पाने के लिए तरसते हैं, शिव जी की कृपा पाने के लिए आशस्म हयजं वदभुक्तो भोगां। शिव जी बहुत विरल महात्मा है, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, आपको शायद मालूम होगा या मालूम होना भी चाहिए, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वृंदावन जाते थे, पहले मथुरा स्टेशन में उतरने के बाद पहले गोपीश्वर महादेव को प्रणाम करते थे। मालूम है किसको? मथुरा स्टेशन में गोपीश्वर महादेव को प्रणाम करते थे। इसलिए हम भजन में बोलते हैं ना, जय जय गोपेश्वर वृंदावन माच, बोलते हैं ना, जय जय कृष्ण सखा बकुति जय जय गोपेश्वर। शिव जी बहुत प्रेमी भक्त है, भगवान का प्रेमी भक्त है। देखिए प्रभुपाद भी लिखते हैं, कितना बहुत अच्छा लिखते हैं, लॉर्ड शिवा इज सो ग्रेट दैट ही डज नॉट केयर फॉर द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉर विच एवरीवन ऑफ अस इज सो ईगर। हम सब भक्त नहीं, हम सब लोग जगत में जितने भी लोग हैं, हम सब मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सब इगर है, हमारा अंदर चाहत है, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं है। हालांकि उनके पास कौन है? उनके पास जो है ये बिल्कुल बहुत क्या बोलते हैं, उनकी शक्ति है, शक्ति है ना, शिव शक्ति शक्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए पार्वती हु इज द पावरफुल मेटेरियल नेचर पर्सनिफाइड इज अंडर हिज फुल कंट्रोल एज हिज वाइफ, yet he does not use her even to build a residential house. Parvati jo ki swayam kya bolte hain devi hai, shakti shaktimati shakti hai, jo maya devi hum bolte hain, unke paas hai, unke control mein hai, lekin unke liye bhi shiv ji kahin bhi koi residential house nirman nahi kiye। कितना मतलब शिव जी का स्थिति कितना ऊंचाई पर है, जरा सोचिए। शिव जी का निवास स्थान कहाँ पर है? रावण। हम लोग मांगते हैं हमको घर दीजिए, मकान दीजिए, जैसे मांग रहा था कौन? रावण। रावण मांग रहा था ना, तो शिव जी को बहुत कुछ सब कुछ मांगने के लिए लोग तैयार होते हैं, मांगते हैं, वो शिव जी दे देते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं जरा सोचिए। हमको सब कुछ दे देते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं, क्यों? उनको मालूम है ये सब चीज ये भ्रमित करता है जीव को, ये धन मान पोस्ट ये सब ये जीव भ्रमित, इसलिए तो सब जगत में सब गंडगोल होता है, ये गड़बड़ी होता है। जो बिल्कुल निष्काम रहेगा, जिसका कोई इच्छा नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल शांत रहेगा ना, है कि नहीं? हमारा बहुत चाहत है इसलिए हम कुछ चाह रहे हैं, चाहने के बाद उनको पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाने के बाद उनको रक्षण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर क्या होता है, फिर कंपटीशन करते हैं दूसरों व्यक्ति से, मेरे पास इतना है लेकिन उनके पास तो बहुत ज़्यादा है, फिर चलते हैं शिव जी को प्रणाम करते हैं, फिर शिव जी से निवेदन करते हैं। जैसे सावन का महीना आता है, आपको शायद मालूम होगा, सावन के महीने से क्या होता है, लोग सब जाते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, दौड़ते हैं पानी लेकर, है कि नहीं? इधर होता है? इधर तो नहीं होगा, भारत में ऐसा दिखाई देता है ना, सावन महीने में जो सोमवार आता है पानी लेकर, बिल्कुल क्या बोलते हैं, बोलबम कावड़, हाँ कावड़, सो बोलबम चलते हैं। क्यों जाते हैं? शिव जी को कुछ मांगने के लिए। आप जरा सोचिए, जितने भी लोग जाते हैं शिव जी को जो भी मांगते हैं, वो चाहत में से कोई 1% आदमी का ऐसा चाहत होगा कि हे शिव जी मुझे संसार से उद्धार कीजिए, जरा सोचिए, किसी का ऐसा चाहत है होगा?
सब जाते हैं, क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए, शिव जी हमको ये दीजिए, वो दीजिए, पत्नी दीजिए, नौकरी दीजिए, धन दीजिए, घर दीजिए, पोता दीजिए, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, जो कुछ हमको दीजिए, बस दीजिए, हम इधर सुख में रहेंगे। शिव जी भी बोलते हैं ठीक है लीजिए, दीजिए सुख में रहे, रहो। शिव जी भी दे देते हैं, लोग पाते हैं इसलिए तो जाते हैं ना। कुछ तो पाते हैं ना, नहीं तो क्यों जाते हैं इतने लोग। अच्छा पाते हैं मतलब शिव जी देते हैं ना, नहीं देने से वो कैसे पाएंगे? ये मैं सोच रहा था उस समय जब सब उनके महीने सब लोग जाते थे, क्यों हमारा मंदिर के सामने सब जाते हैं, और मैं बोलो ऐसा चिल्लाते फिर जाएंगे। हाँ रात को दिन को कुल कुल तो चलेगा। तो देखिए लोग जो जाते हैं कुछ मांगने के लिए, शिव जी दे देते हैं, उनके पास क्या है? उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं भोगने के लिए कुछ तैयार नहीं है। सब कुछ है इसलिए तो हमको देते हैं, लेकिन उनके भोगने का चीज वो नहीं भोग करते हैं, बस रहते हैं किधर, बट वृक्ष के मूल, बट वृक्ष के नीचे रहते हैं। पहनते क्या है? हाँ जी हमको देते हैं क्या? हाँ ठीक है, भाग चरण पहनते हैं, या कभी कभी पेड़ के छाल भी पहनते हैं, बलकल ये भी पहनते हैं, लेकिन हमको बहुत सारा दे देते हैं। देखिए ये सोचने वाली बात है ना, हमको बहुत सारा दे देते हैं, हमको बहुत सारा अर्नामेंट चाहिए, शिव जी से मांग लेते हैं, शिव जी दे देते हैं, उनका अर्नामेंट क्या है? और क्या और क्या हाँ खोपड़ी का माला पहनते हैं ना, सर्प सर्प पहनते हैं, ये उनका सब अलंकार है, आभूषण है। हम तो इधर कितना क्रीम क्रीम कितना कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, है कि नहीं? शिव जी का कॉस्मेटिक्स क्या है? भस्म है। देखिए वो तो चाहेंगे तो कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हैं, नहीं वो क्यों करेंगे? कॉस्मेटिक यूज ना करने के बावजूद भी इतना सुंदर है दिखने के लिए, कॉस्मेटिक या क्यों यूज करेंगे? हम लोग यूज, हम सब बंदर जैसे है ना, इसलिए सुंदर बनने के लिए हमको बंदर को ये कॉस्मेटिक लगाना पड़ता है, है कि नहीं? शिव जी तो स्वयं सुंदर है। जो भक्ति करते हैं, भक्ति भक्ति करना ये एक सुंदरता है। जो भी भक्ति करते हैं आप देखिए, ये सही बात है, ये सच्चा है। जो भी भक्ति करते हैं आप देखिए, ऐसे हम घूमते हैं फिरते हैं दिखते हैं सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप अगर तिलक लगाएंगे कंठी माली पहन देंगे तो देखने के लिए बहुत सुंदर देखेंगे। एक छोटा बच्चा को देखिए, छोटा बच्चा घूमते हैं फिरते हैं, छोटा बच्चा वैसे पहले आप देखिए, लेकिन आप अगर उनको तिलक लगा देंगे देखने के लिए वो कितना सुंदर देखेंगे। देखिए ये सभी के लिए प्रयोज्य है। जो भी अगर तिलक करेगा तो वो देखने के लिए बहुत सुंदर दिखेगा, और तिलक करना बहुत अच्छा है। तिलक करने से यमदूत नहीं आएंगे पास। तिलक के महिमा के बारे में अगर चर्चा हुआ तो एक क्लास हो जाएगा, शास्त्र में इतना वर्णन है। तो शिव जी ऐसा है, तो शिव जी जैसे महापुरुष है, वो महात्मा है, उनके सामने उनके समक्ष अगर हम ऐसा कुकर्म करेंगे, निंदित कर्म करेंगे, तो शिव जी कभी भी तुष्ट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, वो कोपित तो हो जाएंगे, ये बात बतला रहे हैं। और क्या क्या बताएंगे हम आगे सुनेंगे, लेकिन आज तो समय हो गया, कथा को यहाँ विराम देंगे। कल तो इधर कथा नहीं हो पाएगा, प्रभु जी आपको बताएंगे कल का प्रोग्राम के बारे में, फिर बाद में क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है प्रभु जी आपको बताएंगे। तो इधर हम कथा आज का कथा को यहाँ पर विराम देंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय तत्कलोम श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद की जय।